वेल इनडायरेक्टली सही, लेकिन ये कंटेस्टेंट अब बिग बॉस के घर के अंदर हमें दिखाई देगी, ये बात तो अब धीरे धीरे पक्की होती ही जा रही है। जी हाँ, बात कर रही हूँ खतरों के खिलाड़ी की, इस कंटेस्टेंट की जो अब बिग बॉस 16 के घर के अंदर कर रही है अपनी एंट्री। अरे ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सोर्सेस बता रहे हैं। आखिर ये कौन है और किस तरीके से एक्चुअली खुद भी बता रही है खतरों के खिलाड़ी की, ये पॉपुलर खिलाड़ी की, अब शायद वो बिग बॉस के घर के अंदर आ सकती है। चलिए आपको बताती हूँ उसके बारे में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने को। 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है बिग बॉस, जहाँ पे 1 और 2 तारीख को हमें ग्रैंड प्रीमियर देखने मिलने वाला है इन 2 पार्ट्स। पिछले साल हमने ग्रैंड फिनाले 2 पार्ट्स में देखा था, सैटरडे और संडे, तो इस बार जो है फुल फ्लैश्ड 1 संडे जो एपिसोड हमें दिखाया जाता है रात को, वो ना होकर अब सैटरडे और संडे को हमें एपिसोड देखने मिलने वाला है। अब इसके ऊपर आपको बता देते हैं कि सैटरडे और संडे वीकेंड का वार जो है रात के 9:30 बजे होगा, और वीकडे पर एपिसोड जो है 10 बजे होगा। मंडे टू फ्राइडे जो मेन एपिसोड्स होते हैं वो होने वाले, लाइव अपडेट्स जो जो जैसे जैसे आती जाएंगी, लाइव टीवी पे जो हमें फूट पे दिखाई देगा उस सारी की अपडेट आप तक पहुंचा ही देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपके पास अपडेट पहुंचा रही हूँ कि बिग बॉस के अंदर आखिर हमें कौन दिखाई देने वाला है। जी हाँ, बेसिकली खतरों के खिलाड़ी का ग्रैंड फिनाले जो है मुंबई में होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में, और उस ग्रैंड फिनाले पर एक कंटेस्टेंट नहीं दिखाई देंगे, और वो न दिखने के रीज़न जो है वो ये है कि उनके कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है जिसके बारे में वो बात कर रही है। तो चलिए बिना कीपिंग एनी काइंड ऑफ सस्पेंस लेट मी टेल यू, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कनिका मान की, जिन्होंने खतरों के खिलाड़ी में अपनी एक जगह बना दी है। अपने परफॉर्मेंस से उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 25 सितंबर को मुंबई में ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है खतरों के खिलाड़ी का, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कनिका मान उस वक्त नहीं होने वाली। कनिका का कहना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जो मुझे प्यार मिला है और जो मुझे यू नो सपोर्ट मिला है थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ खतरों के खिलाड़ी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सैडली मैं ग्रैंड फिनाले का हिस्सा नहीं बन सकती बिकॉज ऑफ माई शूटिंग स्केड्यूल जो कुछ दिनों में शुरू हो रही है। सो आई एम होपिंग कि अगर एडजस्टमेंट करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी के ग्रैंड फिनाले में आऊँ, और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड फिनाले। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है कि वो 25 सितंबर से अवेलेबल नहीं है? क्या उनका शूट होने जा रहा है, फोटोशूट होने जा रहा है, और जो उनके प्रोमो शूट्स होते हैं, एंट्री के शॉट्स होते हैं, डांसिंग परफॉर्मेंस होते हैं, क्या ये सारी चीज़ें कि शूट और रिहर्सल्स में कनिका बिजी है इसीलिए वो नहीं आ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जिस दिन को शूट होने वाला है 25 को, सुनने में आ रहा है उस वक्त फोटोशूट होने जा रहा है बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का। तो क्या बिग बॉस में आ रही है इसीलिए वो खतरों के फिनाले में नहीं दिखाई देंगी, ये बड़ा सवाल है। आपको इस पर क्या है कहना, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम गोना सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।